खुर्शीद जमील यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बैंकों में वैकेंसियों को लेकर मैं आज फिर से हाजिर हूं। तो आज की जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसमें टोटल 500 वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हो गया है। तो चलिए हम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन डेट दी गई 11 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है इसकी 25 फरवरी 2023। और एग्जाम फीस भी आपको 25 फरवरी 2023 तक ही भरनी है। इसके अलावा इस पर शेड्यूल एग्जाम दिया गया, एग्जाम की डेट अभी तक नहीं आई है। एग्जाम की डिटेल जब भी आएगी आपको वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं अगर फीस की, तो फीस इसमें जो दी गई है ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए 850 रुपये रखी गई है और एससी एसटी वालों के लिए 175 रुपये फीस रखी गई है। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम बात करें तो ये 29 साल तक मैक्सिमम आपकी एज जाएगी। और साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एस सी एस टी में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर तो ये थी बेसिक जानकारी। इसके अलावा हम पोस्ट में बात करते हैं कि बैंक में कितनी पोस्ट दी गई है। 500 पोस्ट दी गई है, उनमें दो तरह की पोस्टें हैं। किस तरह की पोस्टें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट आती है क्रेडिट और एप्लीकेशन जनरल बैंकिंग की। तो ये क्या होता है, इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें 300 पोस्ट है। और इसमें काम क्या होता है, तो बैंकों में आप जब भी जाते होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक जो होता है लोन पास करने वाला ऑफिसर होता है जिसके पास जाकर आप अपना लोन पास कराते हैं। तो इस तरह की जॉब आपको मिलेगी, जिस भी बैंक में आपको मतलब अपॉइंट किया जाएगा वहां पे जाके आपको कस्टमर्स को लोन के बारे में जानकारी देनी है और लोगों को लोन प्रोवाइड कराना है। तो इस तरह की ये जॉब होगी। इसमें 350 वैकेंसियां हैं, मतलब 350 स्थान है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इसमें कुछ भी कोई खास नहीं मांगा गया, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास बीए बीकॉम बीएससी पास होनी चाहिए। जो भी आपने पास किया हो उसके बेस पे आप इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्जाम देकर आप पास होकर अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो है वैकेंसी है, इसका नाम है आईटी एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। मतलब ये है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। इसके लिए आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो है कि बीटेक या फिर आईटी फील्ड में आपने कोई भी जो है डिग्री की हो या फिर आपने बीटेक किया हो तो आप जाके इसमें एप्लीकेशन का अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप स्पेशलिस्ट हो किसी भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, उसके बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप सिलेक्शन करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज भी कोई बहुत ही बढ़िया रखा गया। सैलरी पैकेज 7 पे कमीशन लागू किया गया है। इसमें जो मिनिमम जो एज मतलब रखी गई है सैलरी आपको मिलेगी, मिनिमम आपको सैलरी अगर मिलेगी तो 36,000 रुपये मिलेगी और मैक्सिमम की बात करें तो आपको जो सैलरी मिलेगी 63,840 रुपये तक आपको मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। तो जो आपका इंटरव्यू या फिर जिस बेस में आपको जैसा भी सिलेक्शन मिलेगा उसके बेस पे आपको सैलरी मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी जॉब से रिलेटेड वीडियो रोज अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।